Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी एंड टेस्टी काले चने की रेसिपी जिसको हमने बनाया है बिना ऑयल के. विदाउट ऑयल रेसिपीज बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए. तो स्टार्ट करता है आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये काले चने कितने ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं. बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने हैं, जैसे कि आप बस और ट्रेन में खाते हैं. ये बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं. इसके लिए हमने काले चने को रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था. सुबह के टाइम ये चने फूलकर कुछ इस तरीके से हो गए हैं. अब हम इसका पानी क्लीन कर लेंगे. पानी को निकाल कर चनों को क्लीन कर लिया है, 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है. वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं काले चने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं. मैंने यहाँ पर लिया है कुकर. कुकर में हम इन काले चनों को बनाएंगे, लेकिन आप देखेंगे ये चने बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही कलर इनका रहने वाला है. ये बहुत ही खास ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिए. तो कुकर में मैंने इन चनों को ऐड कर दिया है. ऐड करने के बाद आपको इसमें डालना है पानी. पानी का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से रहना है कि जितने आपके चने हैं उससे 1 इंच ऊपर तक आपको इसमें पानी डालना है. तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है. 1 ग्लास पानी डालने के बाद अभी आप देख सकते हैं चने अच्छे से भीगे नहीं हैं, तो इसलिए आधा ग्लास पानी और ऐड कर दिया है. अब आप देख सकते हैं चने से 1 इंच ऊपर तक पानी आ रहा है, मीन्स पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है. अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक. नमक मैं आजकल सेंधा नमक यूज कर रही हूँ. क्यों यूज कर रही हूँ उसका रीजन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. साथ ही में मैंने ऐड किया है थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका कलर काला ना हो और ये इतने परफेक्ट कलर में रहें ताकि देखने में भी अच्छे लगें और टेस्ट में भी अच्छे लगें. इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब हम कुकर की लिड लगा देंगे और हम इसको 4 विसल्स आने तक पकाएंगे. पहली विसल आपको हाई फ्लेम पर लेनी है, बाकी 3 विसल्स आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर लेनी है. जब तक छोले पक रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर ली है प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च. तो सबसे पहले हम चॉपर की हेल्प से प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे. जैसे कि मार्केट में जब आप खाते हैं तो आपको ऊपर से प्याज टमाटर डालकर दिया जाता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाएंगे ताकि आपको बिल्कुल वही वाला मजा घर पर आ जाए. तो यहाँ पर प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया है, टमाटर को भी बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, हरी मिर्च को कट कर लिया है और साथ ही साथ धनिया को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारी गार्निश करने की सभी तैयारी हो चुकी है. इधर चने में 4 विसल्स आ चुकी हैं. विसल्स आने के बाद दिखाती हूँ कि चने किस तरीके के हैं. जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर विसल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है. नाउ यू कैन सी दैट कि चने कितने अच्छे से पक चुके हैं. चने अच्छे से पके हैं या नहीं इसको चेक करने के लिए 2 फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिए. अगर वो इजीली प्रेस हो रहा है इट मींस कि चने अच्छे से पक गए हैं. अब मैंने यहाँ पर ली है 3 कटोरी. इसके अंदर आप देख सकते हैं पानी काफी ज्यादा है और अगर आपको थोड़े गीले चने पसंद हैं तो आप इसका पानी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका पानी निकाल इन चनों को कुछ इस तरीके से सर्व कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ. तो आप देख सकते हैं चनों का कलर कितना परफेक्ट आया है, अच्छे से पक भी गए हैं. ये चने खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगते हैं और अगर आप डाइट पर हैं तो ये चने आपके लिए बेस्ट हैं. मॉर्निंग में इसका ब्रेकफास्ट जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं. लास्ट में इसको गार्निश कर दीजिएगा थोड़े से प्याज के साथ, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्याज डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़े से टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया. तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च ऐड करने के बाद और हरा धनिया ऐड करने के बाद ये कितने ज्यादा कलरफुल लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल. तो जब ये सब चीजें डल गई हैं उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला. जब आप चाट मसाला ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाता है. अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं. बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बने हैं, उसके बाद भी ये चने खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं. देखने में इतने कलरफुल हैं तो सोच लीजिए कि खाने में कितने ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं. एक बार इस हेल्दी काले चने की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी. आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी. तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट करके जरूर बताइए.
कि ये रेसिपी आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्दी रही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।